एक बेट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आदमी का फिजिकल एक्टिविटी जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है, महिला का भी फिजिकल एक्टिविटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे जंडू कंपनी का विगोरेक्स फॉर हार कैप्सूल के बारे में, जो कि फुल्ली हर्बल है, बिल्कुल सेफ है, ट्रस्टेबल है, सर्टिफाइड है और प्रिजर्वेटिव फ्री है। इसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, सोया जैसे 12 नेचुरल हर्ब्स मौजूद है। एक्चुअली इस प्रोडक्ट को फीमेल का लिबिडो को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, ओनली फॉर फीमेल है, यानी महिला के लिए सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो आगे चल के मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इसका डोज क्या है, किन केसेस में लेना है, किन केसेस में नहीं लेना है और इसका साइड इफेक्ट होगा या नहीं, सब कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, वीडियो का किसी भी पार्ट को स्किप मत करके लास्ट तक जरूर देख के जाना, और ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को जंडू का विगोरेक्स फॉर हार कैप्सूल, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह में अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है लगभग 499 रुपीज के आसपास प्राइस है, प्राइस कभी कभी ज्यादा कम होता रहता है, और परचेस करने की वजह से चाहे ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन हो गया आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट ओनली फॉर फीमेल है, फीमेल का लो लिबिडो अगर प्रॉब्लम है तो लिबिडो को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, विटालिटी विगोर को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, बेड परफॉर्मेंस फिजिकल परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, और अगर उनका माइंड में अपलिफ्ट होता है या तो फिर अगर स्ट्रेस वगैरह होता है तो उसको भी डेवलप देता है इस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट लेने की वजह से कुल मिला के बाद है फीमेल का जो बेड परफॉर्मेंस है, बेड परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो इस प्रोडक्ट को लेने का तरीका बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर आप एक फीमेल हो और आपको हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, यानी आपको लो लिबिडो का प्रॉब्लम है, यानी बेड परफॉर्मेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत है, तो इस केसेस में आपको एक कैप्सूल करके दिन में 2 बार लेना है, खाना पीना करके लेना है, पानी के साथ या तो फिर दूध के साथ। और अगर कुछ केसेस में अगर आपका काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, बेड परफॉर्मेंस करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत आता है, तो उस केसेस में आपको 2 कैप्सूल करके दिन में 2 बार लेना पड़ेगा, खाना पीना करके लेना पड़ेगा, दूध के साथ या तो फिर पानी के साथ। और अगर हम इसका साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल सेफ है और फुल्ली आयुर्वेदिक है। लेकिन अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपका अलग सा किसी भी तरह का मेडिसिन चल रहा है, अगर आपका अलग सा किसी भी तरह का बीमारी है पहले से, जैसे कि हार्ट का मरीज हो आप, शुगर का मरीज हो, बीपी का मरीज हो, थायराइड का मरीज हो, उसका हिसाब से आप डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड किया है, तो उस केसेस में अगर आप इस मेडिसिन को लेना चाहते हैं तो पहले आपको डॉक्टर का सलाह लेके इस मेडिसिन को लेने से सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इस मेडिसिन को सबसे बहुत बड़ा खैसियत बात है कि इस मेडिसिन लेते समय आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बच्चे से दूर रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और आपका डाइट को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से जंडू का विगोरेक्स फॉर हार कैप्सूल के बारे में मैंने जितना आपको समझाने का कोशिश किया, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।